हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी एटम्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट्स। क्वेश्चन है, व्हाट is the ratio of radii of the orbits? What is the ratio of the radii of the orbits corresponding to first excited state? Corresponding to first excited state to the ground state in a hydrogen atom। जैसे कोई हाइड्रोजन एटम है तो उसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का जो ऑर्बिट्स हैं, उस ऑर्बिट के जो रेडियस हैं, उसमें उस रेडियस का क्या रेशियो होगा। तो इसके लिए हम लोग जो सबसे बेसिक फॉर्मूला जानते हैं रेडियस और नंबर ऑफ ऑर्बिट के बीच में, दैट आर स्टैंड्स फॉर रेडियस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू आर जीरो एन स्क्वायर। ये जो आर जीरो है या आर नॉट पढ़िए इसको, दिस इज आर बोर्स रेडियस, दिस इज आवर बोर्स रेडियस और इसका वैल्यू होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। बोर्स रेडियस का वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। और अब इसके बाद सपोज कीजिए, जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो उस समय 1 से 2 में जाएगा, तो n का वैल्यू एक बार 1 लेना है जो ग्राउंड स्टेट है, तो इसमें लिखेंगे 4 ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 4 एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2। हम लोग को निकालना है रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट्स। देन r इज इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर, यहाँ से हम लोग एक बार लिखेंगे इसको एक्साइटेड और ग्राउंड से दिखाते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाय ग्राउंड स्टेट आर ई। इसमें आर नॉट 2 का स्क्वायर बाय आर नॉट इंटू 1 का स्क्वायर, तो आर ई बाय आर जी टू आर नॉट इंटू 4 बाय आर नॉट इंटू 1। तो आर एक्साइटेड, रेडियस ऑफ द एक्साइटेड स्टेट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द एक्साइटेड स्टेट टू द रेडियस
ऑफ द ऑर्बिट ऑफ ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू 4/1। इसको आप इन द फॉर्म लिख सकते हैं कि 4:1 भी आप इसको लिख सकते हैं। एंड इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एक्साइटेड स्टेट होगा उसका रेडियस यदि कंपैरिजन किया जाए तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के तुलना में 4 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। इससे आगे बढ़ते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें रेडियस और मास से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस को देखेंगे। सवाल है, इन अ हाइड्रोजन एटम if electron is replaced by a particle which is 200 times heavier, 200 times heavier, but has the same charge, how would the radius change? मीन्स हाइड्रोजन एटम में यदि इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके हम लोग उसके जगह पर एक ऐसे पार्टिकल को रखते हैं जो कि उससे 200 गुना ज़्यादा भारी हो, हाँ लेकिन चार्ज का वैल्यू सेम हो, तो उसका रेडियस में किस प्रकार से बदलाव आएगा? देखिए इसमें लिखेंगे, एज वी नो दैट रेडियस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, देन R इज इक्वल टू लिख सकते हैं K/m, वेयर K इज अ कॉन्स्टेंट। लेट सपोज दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। नाउ द न्यू रेडियस इज गिवन बाय R' इज इक्वल टू K/m'। m' क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल विच इज 200 टाइम्स हैवियर एंड also having same charge,
दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम डैश मास है, कौन सा मास है? तो जो एम डैश है उस पार्टिकल का मास है जो इलेक्ट्रॉन से 200 गुना ज़्यादा भारी है, लेकिन उसका जो चार्ज है वो सेम है। मीन्स के एम डैश इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं 200 एम। एम क्या है यहाँ पर? तो जो एम है वो इलेक्ट्रॉन का मास को बता रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जब एम डैश इज इक्वल टू पुट कर देंगे 200 एम, देन उसके बाद जो वैल्यूज़ है वो किस प्रकार से चेंज करेगा? आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा के बाय, आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा के बाय 200 एम। यहाँ से के बाय 200 एम, तो आर डैश इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, आर डैश इज इक्वल टू 1/200 इंटू के बाय एम, और जो के बाय एम है, के बाय एम है वो आर के बराबर है, तो आर डैश इट इम्प्लाइज दैट आर डैश इज इक्वल टू आर बाय 200। मतलब जो नया रेडियस होगा आर डैश वो 200 टाइम्स लोअर हो जाएगा ओरिजिनल वाला का। एंड आप इसको लाइटर मॉलिक्यूल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो उस समय आपको अलग आंसर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट रोटेशनल और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सो दैट रोटेशनल और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम वेरीज एज एन टू द पावर माइनस 3, वेयर एन इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आप शो करके दिखाइए कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है वो एन टू द पावर माइनस 3 के प्रोपोर्शनल होता है क्या, या उस तरीके से वेरी करता है, ये हम लोग को शो करके दिखाना है। जहाँ जो n है वो आपको बताता है दैट n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देन फॉर्मूला होता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है
ओमेगा एन इज इक्वल टू वी एन बाय आर एन, ओमेगा इज इक्वल टू होता है वी बाय आर, आप इसको वी इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला फार्मूला आपको याद होगा, तो यदि आपको वी इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला फार्मूला याद है तो देन वहाँ से आप ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर ईजिली लिख सकते हैं। एंड हाइड्रोजन एटम के कंडीशन में लिखेंगे इन हाइड्रोजन एटम हम लोग देखे हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय एन। तो इन दोनों को यदि हम लोग एक साथ लिखे देन व्हाट वी कैन हैव, यहाँ से एक साथ दोनों को लिखने पर जो ओमेगा आएगा उसका वैल्यू कुछ इस तरीके से होगा दैट ओमेगा इज इक्वल टू वी एन वन बाय एन, आप चाहें तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लिख सकते हैं जैसे आर एन इज इक्वल टू के इंटू एन स्क्वायर वी इज इक्वल टू के बाय एन, तो आप जहाँ यहाँ वी एन है वहाँ आप लिख सकते हैं के बाय एन, और उसके बाद जहाँ आर एन है वहाँ आप लिख सकते हैं के इंटू एन स्क्वायर। यदि सेम कांस्टेंट हुआ तो कट जाएगा, और यदि सेम कांस्टेंट नहीं हुआ, यदि सेम कांस्टेंट नहीं हुआ तो एज इट इज रहने दिए, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो के बाय एन क्यूब, एन क्यूब कहाँ से आया तो ये एन और एन मल्टीप्लाई होके एन और एन स्क्वायर मल्टीप्लाई होके एन क्यूब, तो यहाँ से ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय एन क्यूब, ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, या ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू द पावर माइनस थ्री। माइनस थ्री इसलिए आया क्योंकि हम लोग ये एन क्यूब नीचे था, यदि आप इसको ऊपर ले जाते हैं तो एन के पावर आ जाएगा माइनस थ्री। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन इमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल टू फर्स्ट लेवल, फर्स्ट में है सेकेंड परमिटेड एनर्जी लेवल
टू फर्स्ट परमिटेड एनर्जी लेवल और दूसरा है हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू द सेकंड परमिटेड लेवल, हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल, हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल टू सेकंड परमिटेड लेवल, सेकेंड परमिटेड लेवल। देखिए भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं। या वेव नंबर से दिखाइएगा तो वन बाय लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय एन फाइनल का स्क्वायर माइनस वन बाय एन इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे दैट न्यू भी बोल रहे थे न्यू इज इक्वल टू होता है वन बाय लैम्डा दैट इज वेव नंबर, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, न्यू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय, देखिए फॉर्मूला हो जाता है वन बाय एन फाइनल माइनस एन इनिशियल। तो इसमें न्यू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय वन का स्क्वायर माइनस वन बाय टू का स्क्वायर। देखिए कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशन इमिटेड, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, सेकेंड से आ रहा है, सेकेंड से आ रहा है फर्स्ट में, फर्स्ट में आ रहा है तो ये हो गया फाइनल वाला, ये हो गया इनिशियल वाला। तो न्यू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय वन माइनस वन बाय फोर, न्यू वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर, और यहाँ से आपको हो जाएगा फोर माइनस वन, तो न्यू वन इज इक्वल टू थ्री बाय फोर, ये आया न्यू वन। अब दूसरा में आपसे पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी लेवल से सेकंड पे आ रहा है, तो न्यू टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय टू का स्क्वायर माइनस वन बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। इन्फिनिटी क्या है तो इन्फिनिटी आपको बताता है एनर्जी के स्टेट को, हाईएस्ट परमिटेड एनर्जी स्टेट को बताता है। और अब यहाँ से यदि हम लोग वैल्यू को कैलकुलेट करें तो व्हाट वी विल हैव देन न्यू टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय फोर माइनस जीरो, डायरेक्ट वन बाय इन्फिनिटी का वैल्यू जीरो होता है, आप जीरो का स्क्वायर कर देगा तो जीरो ही आएगा, तो न्यू टू इज इक्वल टू वन बाय फोर। अब इन दोनों फ्रिक्वेंसी का यदि रेशियो निकालते हैं तो हो जाएगा न्यू टू बाय न्यू वन, यहाँ से लिखेंगे कि न्यू टू बाय न्यू वन इज इक्वल टू वन बाय फोर इंटू थ्री बाय फोर, ऊपर चला जाएगा न्यू टू बाय न्यू वन इज इक्वल टू वन बाय फोर इंटू थ्री इंटू यहाँ चला जाएगा फोर, यह कैंसिल हो जाएगा तो वन बाय थ्री, तो न्यू टू इज टू न्यू वन इज इक्वल टू वन इज टू थ्री। तो इस प्रकार से ये आया
रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। अब इसके बाद हम लोग आगे के क्लास में एटम्स से आगे बढ़ते हुए न्यूक्लियस की ओर पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड सवालों को बनाएंगे। यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।